नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा, जितने भी डियर साथी हैं, यदि मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे, तो आप सभी का मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। मैं कहना चाहूँगा, आपका समर्थन करता हूँ, इसलिए वीडियो में लेके आया हूँ। शासन ये कह रहा है, सरकार ये कह रहा है कि अभी स्कूल कॉलेज बंद है, मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। उसी दौरान यदि कुछ विषय जैसे DLED का है, यदि इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, टाइम टेबल भी घोषित कर जा चुका है और बहुत सारे ऐसे सेंटर भी बनाए गए हैं। माना सेंटर अलग अलग बनाए गए हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, इसलिए सामाजिक दूरी भी इसमें रखी गई है। लेकिन यदि स्कूल कॉलेज बंद है और उसी के चलते MSc MA BEd जैसे डिग्रियों का यदि घर बैठे एग्ज़ाम ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का घर बैठे एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में DEd वालों का ऑफलाइन यानी कि एग्ज़ाम लेना जायज़ नहीं लगता है। तो इससे बहुत सारे साथी मेरे को कमेंट्स किए हैं, आप देख सकते हो। एक लेटर भी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल को देने के लिए लिखा गया है और शायद माध्यमिक शिक्षा मंडल को ये प्रेषित किया जा चुका है। कुछ विद्यार्थियों का साइन भी है इसमें, जिन्होंने ये आपत्ति जताई है कि जिस प्रकार से जिसमें यह आपत्ति जताई गई है कि जिस प्रकार से बाकी विषयों का या बाकी सब्जेक्टों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में बहुत चिंतित है और चिंता होना बहुत जायज़ है, क्योंकि कोविड का तीसरा लहर की बातें जब सामने आती है और स्कूल कॉलेज को बंद बताया जाता है, उस परिस्थिति में ऑफलाइन जब एग्ज़ाम लेने की बात कही जाती है तो चिंता होने की बात है। क्योंकि DEd के लिए अलग ज़िलों से, दूसरे ज़िलों से बहुत दूर दूर से बच्चियां आके पढ़ते हैं, साधन भी नहीं है, पूरी तरह से बस चल नहीं रही है, रुकने का व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी इतना जल्दी। तो इस प्रकार से शासन को इसमें संशोधन करना चाहिए और जिस प्रकार से बाकी विषयों का या बाकी सब्जेक्टों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, घर बैठे एग्ज़ाम हुआ है, उसी प्रकार से करना चाहिए। और ये जो साथी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट्स किए थे, जैसे सकते हो मुकेश अंसारी जी ने कमेंट्स किया है, प्रियंका लहरे जी ने कमेंट्स किया है, DS साहू जी ने कमेंट किए हैं, रिंकी यादव जी ने कमेंट्स किए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स किए हैं और वीडियो बनाने के लिए बोले गए हैं और मैंने वीडियो के माध्यम से इसका समर्थन करते हुए वीडियो बनाया है। यदि आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को वायरल कीजिए और इसका समर्थन कीजिए, ताकि जो है जिस प्रकार से दूसरों को लाभ मिला है कोविड के चलते, उसी प्रकार से DEd वाले साथियों को भी लाभ मिले और इसका एग्ज़ाम जो है बिना परेशानियों के घर बैठे हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।